अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स यूजर्स के लिए या रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए। हाँ, ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है और बहुत दिनों से हमारे परिचितों की डिमांड थी जो हमसे जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पे कि यूट्यूब पे वीडियो डाला जाए। हाँ, इस लॉकडाउन में मैंने एक प्रयास किया है। मैं ज्ञान प्रकाश सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। मेरा ये जो लेक्चर है ये निर्भर है डीप स्टैटिस्टिकल कंसिडरेशंस इन रिसर्च। ये लेक्चर एक बहुत बिगर डोमेन का लेक्चर है, तो हम इसके कुछ पार्ट्स अलग अलग वीडियो में भेजेंगे। जो पहला वीडियो हम भेज रहे हैं वो है व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज मेजरमेंट स्केल एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल। सो हम लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। मेरा पहला चीज है कि रिसर्च है क्या। मेरा ये ओपिनियन है कि रिसर्च निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है। निर्णय लेने की एक प्रक्रिया को हम लोग रिसर्च कहते हैं। अब प्रश्न है कि निर्णय किस पर लेना है। तो निर्णय हमें हमेशा किसी भी फेनोमेना के इवेंट ऑफ इंटरेस्ट पे लेना होता है। किसी भी फेनोमेना के इवेंट ऑफ इंटरेस्ट का क्या है कि इसे हम अगर कोई ड्रग बना रहे हैं तो ड्रग का परफॉर्मेंस फेनोमेना हुआ। अब परफॉर्मेंस गुड है, ये इवेंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो हर फेनोमेना का कोई ना कोई इवेंट ऑफ इंटरेस्ट हम सोच सकते हैं। तो अमूमन हम लोग डिसीजन मेकिंग फेनोमेना के इवेंट ऑफ इंटरेस्ट पर करते हैं और मोस्टली किस तरह के सिचुएशन में करते हैं जबकि हमको फ्यूचर नहीं पता है। अनसर्टेन सिचुएशन में हमको रिजल्ट नहीं मालूम है उसका, इवेंट ऑफ इंटरेस्ट हैपन होगा कि नहीं होगा। ऐसे सिचुएशन में जो हम निर्णय लेने जाते हैं तो हम जनरली उसे हम कह सकते हैं कि यह एक रिसर्च प्रोसेस रिसर्च है। हालांकि आपको रिसर्च और भी तरीके से डिफाइन किए जा सकते हैं, अलग अलग जगह के लोग अलग अलग तरह से करते हैं। स्टैटिस्टिक्स हम लोगों को, स्टैटिस्टिक्स जो है हमें मेथड प्रोवाइड करता है। मेथड किस बात का प्रोवाइड करता है? डिसीजन मेकिंग लेने का। डिसीजन मेकिंग किस पर? इवेंट ऑफ इंटरेस्ट पर। और कब? जबकि सिचुएशन अनसर्टेन हो। तो स्टैटिस्टिक्स अनसर्टेन सिचुएशन में इवेंट ऑफ इंटरेस्ट पर डिसीजन मेकिंग के टूल प्रोवाइड करता है। और जनरली ये जो भी डिसीजन मेकिंग करते हैं हम लोग वह एक मैकेनिज्म पे करते हैं जिसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी मैकेनिज्म। तो प्रश्न उठता है कि ये प्रोबेबिलिटी है क्या। तो जनरली अगर लोगों से पूछा जाए तो लोग कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी चांस है, प्रोबेबिलिटी रिपीटेड में फेवरेबल केसेस हैं। मेरा ये ओपिनियन है कि प्रोबेबिलिटी चांस खुद में प्रोबेबिलिटी है। रिपीटेड मेजरमेंट में ऑकरेंस ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये डेटा है, ये आउटकम है। तो प्रोबेबिलिटी है क्या? कि हर फेनोमेना को मेजर करने के लिए हम कोई मेजरमेंट टूल यूज करते हैं। जैसे अगर आपको मिल्क दूध नापना है तो आप लीटर यूज करते हैं। अगर आपको दूरी नापनी है, डिस्टेंस नापना है तो आप मीटर यूज करते हैं। अगर आपको समय नापना है तो आप मिनट यूज करते हैं, डे यूज करते हैं, टाइम ईयर यूज करते हैं, लाइट ईयर डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। तो मोस्टली हर फेनोमेना को मेजर करने के लिए हम लोग कोई टूल यूज करते हैं। हाँ, वो टूल आपको विजिबल होते हैं और हर टूल जब आपको मेजर करता है तो आपको एक मेजरमेंट वैल्यू देता है, उसका डिफाइंड रेंज है। जैसे अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं मीटर से तो इसका डिफाइंड रेंज है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी। अगर आप टाइम मेजर कर रहे हैं तो इसकी डिफाइंड वैल्यू है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी। लेकिन अगर आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं डिग्री सेल्सियस में तो इसका रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के इसमें कोई वैल्यू आ सकता है। तो हर मेजरमेंट एक
अपना मेजरमेंट वैल्यू देता है। इसी तरह से और वो चीज वो किसी न किसी फेनोमेना को मेजर करता है। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी भी एक मेजरमेंट है। ये किसका मेजरमेंट है? ये अनसर्टेनिटी का मेजरमेंट है। ये हमें दिखता नहीं है लीटर की तरह मीटर की तरह, लेकिन यह भी मेजर का काम करता है। और किसके मेजर का? इवेंट ऑफ इंटरेस्ट का, जबकि सिचुएशन अनसर्टेन हो। और यह भी अपने मेजरमेंट की वैल्यू देता है, और इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। अब प्रश्न है कि यह मेजर कैसे होता है? अब लीटर से मीटर से तो हम लोग जनरली मेजर करते हैं, तो ये मेजर कैसे होता है? तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो कहते हैं कि सब्जेक्टिव मेजरमेंट, और दूसरा है ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट। मैं इसमें बहुत समय नहीं लूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इस पर डिस्कशन करूंगा। सपोज करिए कि ये एग्जाम्पल है हमारा है कि अगर हम एक फेयर कॉइन टॉस करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह हेड ऊपर हेड आए? तो यहाँ पहली बात है कि हम ये तो जाने कि इवेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। इवेंट ऑफ इंटरेस्ट है कि ऊपर हेड आए। लेकिन बहुत से लोग कहेंगे कि कॉइन टॉसिंग में इवेंट ऑफ इंटरेस्ट हेड आए या टेल आए। हाँ, हो सकता है, लेकिन वो सर्टेन सिचुएशन है, इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो अनसर्टेन सिचुएशन में क्या होगा? या तो हेड आए या तो टेल आए। अब इसमें से कोई भी एक आउटकम आपका इवेंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। अब आप इस इवेंट ऑफ इंटरेस्ट की प्रोबेबिलिटी मेजर कर सकते हैं, और जनरली अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर है कि ये 1/2 होगा। क्यों 1/2 आपने बता दिया? इसका कारण है, कारण यह है कि आप जान रहे हैं कि कॉइन के 2 फेस हैं, एक हेड है और एक टेल है, और हमने कहा कि कॉइन फेयर है। इसका मतलब हुआ कि कॉइन जब हम टॉस करेंगे तो दोनों फेसेस के आने की, टॉप पे आने की संभावना इक्वल रहेगी, और इसलिए आपने उसे 1/2 या 0.5 कह दिया। अब हर आदमी इसका यही आंसर देगा, तो यह आंसर ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट है कि ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट है कि हेड आने की, फेयर कॉइन टॉस करें तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। ये ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट है, देयर इज नो इफ बट ऑन दैट। अ सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कंपनी एक दवा बनाई है जिससे कि मरीज को नींद आता है, और कंपनी क्लेम कर रही है कि मरीज को खिलाएंगे हम दवा तो 10 मिनट के अंदर सो जाएगा। अब अगर हम एक मरीज को ये दवा खिलाते हैं तो क्या गारंटी है कि मरीज 10 मिनट के अंदर सो जाएगा? कोई जरूरी नहीं है। तो अगेन The situation is uncertain. अब इसमें event of interest हमारा ये हो सकता है कि वो 10 मिनट के अंदर सो जाए। ये भी हो सकता है अगर दूसरा event of interest कि ना सोए, लेकिन हमने यहाँ event of interest लिया 10 मिनट के अंदर सो जाए। अब इस event of interest की probability नापने के लिए हम कैसे मेजर करें? एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम इस क्वेश्चन से इसको रिलेट करें। यहाँ भी हम पेशेंट को क्वाइन मान लें, और जो 2 अनसर्टेनिटी पॉइंट हैं कि 10 मिनट के अंदर सोएगा उसको हेड मान लें, और 10 मिनट के अंदर नहीं सोएगा उसको टेल मान लें, तो क्या हम इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 बोल दें? अगर हम ऐसा बोलते हैं तो ये हमारा सब्जेक्टिव बात होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे ये नहीं मालूम है कि फेयर क्वाइन है, मतलब कि इस दवा का 10 मिनट के अंदर सोने का जो टाइम इवेंट ऑकरेंस है और उसके बाद का ऑकरेंस है, दोनों इक्वल लाइकली हैं, ऐसा हमें नहीं पता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये 1/2 है। हाँ, तो ऐसा हम यही हो सकता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 के पास हो। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू बोल सकते हैं। जिनको जितना फेथ होगा इस दवा पर वो अप्रोचिंग टू 1 बोलेंगे, और जिनका फेथ कम होगा वो अप्रोचिंग टू 0 बोलेंगे। अब प्रश्न है कि ऐसे सिचुएशन में हम ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी निकालें कैसे? तो इसके लिए स्टेटिस्टिक्स कहता है
कि अगर आप अनसर्टेन सिचुएशन में हैं और आप इवेंट ऑफ इंटरेस्ट के प्रोबेबिलिटी जानना चाहते हैं और आपकी सिचुएशन इक्वल लाइकली नहीं है, तो आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करिए। एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके डेटा कलेक्ट करिए और फिर डेटा से प्रोबेबिलिटी निकालिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप एक पेशेंट को दवा खिलाइए सिमिलर रोग के, सिमिलर टाइप के लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स को आप दवा खिलाइए और फिर अपनी घड़ी से हर पेशेंट को वॉच करिए कि उसने पेशेंट्स में से कितने पेशेंट 10 मिनट के अंदर सो गए थे। अब जितने पेशेंट 10 मिनट के अंदर सोए आपके एक्सपेरिमेंट में, आपके पास डेटा आ गया। अब इस डेटा से हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो जितने पेशेंट्स सो गए, दैट नंबर डिवाइडेड बाय जितने पेशेंट्स को हमने दवा दिया था, दैट नंबर, ये नंबर हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा और इसे हम लोग कहते हैं इम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी या स्टेटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। तो जब हम डेटा से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमेशा हम उसको इम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी बोलेंगे और यह ऑब्जेक्टिविटी की ओर, रिजल्ट को ऑब्जेक्टिविटी की ओर ले जाएगा। कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं, जैसे इस एग्जांपल में कहा गया है कि एक सैटेलाइट इंडिया बनाया है 70 साल के एक्सपीरियंस के बाद, इनोवेशन के बाद, और उसको लॉन्च किया जाना वाला है, क्या संभावना है कि सक्सेसफुल होगा। तो अगेन इवेंट ऑफ इंटरेस्ट है सक्सेसफुल लॉन्चिंग। अब अगर आप इस क्वेश्चन को फिर क्वाइन से मिलाएं तो ये आप कह सकते हैं कि 1/2, लेकिन यहाँ भी 1/2 आंसर वाजिब नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव क्यों है कि हम लोगों के पास ये नहीं पता है कि सक्सेस, हम नहीं कह सकते हैं कि सक्सेस और फेल्योर के दोनों के ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी सेम है, क्योंकि हमने बहुत सारी मेहनत करी है सक्सेस पाने के लिए, तो निश्चित है कि सक्सेस के चांसेस ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू फेलियर। अब प्रश्न है कि इस प्रोबेबिलिटी को कैसे निकाला जाए। अब स्टैटिस्टिक्स का अगर आप हेल्प लेंगे तो स्टैटिस्टिक्स कहती है कि आप अगर सब्जेक्टिव सिचुएशन में हैं तो आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करिए ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम, डेटा कलेक्ट करिए और डेटा कलेक्ट करने के बाद उससे एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। क्या यहाँ रिपीटिशन संभव है? तो मेरा तो मानना है कि संभव नहीं है, क्योंकि पहला डेटा पाने में हमें 70 साल लगा, तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है डेटा कलेक्शन का, और ऐसे केसेस में फिर हम सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी पर ही भरोसा करके कुछ काम करेंगे। सो एक थोड़ी सी आइडिया हमने देनी चाहिए। अब स्टेटिस्टिक्स कैसे हमें हेल्प करता है? स्टेटिस्टिक्स हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। डेटा का प्रोबेबिलिटी, डेटा जो हम एक्सपेरिमेंट से पाएंगे उसके डिस्ट्रीब्यूशन से हेल्प करता है। तो संक्षेप में हम ये कहेंगे कि हमारे पास जब हम कोई स्टडी लॉन्च करेंगे तो हमारे पास एक डेटा रहेगा। डेटा का मतलब क्या है कि कुछ फैक्ट रहेंगे, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज रहेंगे लाइक दैट, और हम इस डेटा से डिसीजन मेकिंग करना चाहेंगे, इस डेटा के हेल्प से अपने इवेंट ऑफ इंटरेस्ट पर डिसीजन मेकिंग करना चाहेंगे। डिसीजन मेकिंग क्या है? इस डेटा का कुछ जिस्ट फॉर्म है, इस डेटा में क्या बेस्ट इंफॉर्मेशन है, दैट इज डिसीजन मेकिंग। अब इस प्रोसेस को करने के लिए हमें इस सब्जेक्ट को हेल्प लेना होता है। तो इस पूरे प्रोसेस में आने के लिए कुछ चीजों को ख्याल में रखना जाता है, जैसे तो उन सब चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे। और उसमें से जो पहली चीज है कि जाना जाए कि वेरिएबल क्या है और उसका मेजरमेंट स्केल क्या है। वेरिएबल किसी भी कोई भी फेनोमेना अगर वो एक से ज्यादा वैल्यू ले और उसमें कम से कम 2 डिफरेंट वैल्यूज हो, मतलब मेजरमेंट वैल्यू डिफरेंट हो, एटलीस्ट 2 मेजरमेंट वैल्यू डिफरेंट हो, तो हम उस फेनोमेना को कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, सो वेरिएबल के लिए क्या जरूरी है कि आपके पास कोई एक फेनोमेना होना चाहिए। फेनोमेना से आशय क्या है कि जैसे लोगों की हाइट, वेट्स,
इनकम, एजुकेशन, ये सब फेनोमेना है। और जब आप इस फेनोमेना पर ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करते हैं, तो आप अगर जो ऑब्जर्वेशन कलेक्ट किए हैं उनमें कम से कम दो अगर डिफरेंट हैं, तो हम इस फेनोमेना को वेरिएबल टर्म से बोलते हैं स्टेटिस्टिक्स में। और उस फेनोमेना पे जो भी मेजरमेंट आया, जितना भी आया, उसका सेट, उसके कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं डेटा। तो इस बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ हम एक एग्जांपल पे आ रहे हैं। आपके पास सामने एक ये टेबल है, अगर मैं इसमें पूछूं कि कुल कितने वेरिएबल हैं, तो जनरली जब मैं अपने ऑडियंस से पूछता हूं तो मुझे कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इस एज को वेरिएबल मानते हैं, मोबाइल नंबर को वेरिएबल मानते हैं, आईक्यू को वेरिएबल मानते हैं, मीन्स जहां जहां वो नंबर देख रहे हैं उस फेनोमेना को वेरिएबल मानते हैं। कुछ लोग सेक्स को भी वेरिएबल मानते हैं, कुछ लोग पेन लेवल को भी वेरिएबल मानते हैं, लेकिन नेम को वेरिएबल नहीं मानते। अब मेरी डिफिनेशन क्या थी कि अगर किसी फेनोमेना के पास एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस हो और उसमें कम से कम दो डिफरेंट हो, तो वो वेरिएबल कहलाएगा। जैसे इस नेम फेनोमेना के पास 7 ऑब्जर्वेशंस हैं, 7 मेजरमेंट्स हैं, और हर मेजरमेंट डिफरेंट है, तो हम कहेंगे कि ये एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स ऑन फेनोमेना नेम डिफरेंट है, तो हम कहेंगे कि नेम इज वेरिएबल। सिमिलरली यहाँ भी 7 मेजरमेंट्स किए गए हैं। ये 7 मेजरमेंट्स किसके हैं, इस फेनोमेना के हैं, सेक्स के हैं। तो अब इसमें भी कम से कम 2 अलग हैं, तो हम कहेंगे कि सेक्स इज अ वेरिएबल, चाहे वो नंबर में लिखा हो चाहे लेटर में लिखा हो। कास्ट, यहाँ भी 7 मेजरमेंट किए गए हैं। अब यहाँ जो 7 मेजरमेंट हैं, इसमें एटलीस्ट 2 डिफरेंट नहीं है, ऑल आर सेम। तो एट इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम कहेंगे कि कास्ट वेरिएबल नहीं है, कि रियल लाइफ में जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो ये वेरिएबल होता है, लेकिन अगर हमारा सिचुएशन ऐसा है तो हम कहेंगे कि ये फेनोमेना वेरिएबल नहीं है। और जनरली इसको मैथमेटिक्स में कहते हैं ऐसे सिचुएशन को कांस्टेंट। नेक्स्ट एज, ये भी वेरिएबल है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये जो 11 फेनोमेना पे हमने मेजरमेंट्स लिखे हैं, ये सभी वेरिएबल हैं, ठीक है? तो वेरिएबल क्लियर हुआ। अब प्रश्न है कि मेजरमेंट स्केल क्या हुआ है? अब मेजरमेंट स्केल से मतलब होता है कि जो हमने हम वेरिएबल के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको क्वांटिफाई करें। तो जब हम वेरिएबल के ऑब्जर्वेशंस को क्वांटिफाई करते हैं, तो क्वांटिफाई करने का जो मेथड है वह कहलाता है मेजरमेंट स्केल। अब क्वांटिफाई कैसे करते हैं? क्वांटिफाई करने के लिए, जैसे अगर हमारा वेरिएबल ये नेम है, अब हमारे पास ये 7 ऑब्जर्वेशन है, राम, अकबर, सीता, एक्सेट्रा। अब हम इसको क्वांटिफाई करना चाहते हैं। अब क्वांटिफाई करने के लिए जो सबसे पहला तरीका होता है कि आप जिस वेरिएबल के ऑब्जर्वेशन को क्वांटिफाई करना चाहते हैं, उसके किन्हीं 2 ऑब्जर्वेशंस को, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस पे आप अपनी नजर रख लें, जैसे यहाँ अकबर और सीता, और फिर अपने से पूछें कि क्या हम इन दोनों ऑब्जर्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं इस टर्म में। मींस क्या हम कंपेयर का मतलब होता है कि कहें कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। हाँ, तो अगर हम कर सकते हैं कि नहीं, तो अगर हम नहीं कर सकते हैं तब हम उसको क्वांटिफाई दूसरे तरह से करते हैं, अगर कर सकते हैं तो हम क्वांटिफाई दूसरे तरह से करते हैं। फिलहाल हम लोग इस पे देखते हैं कि क्या हम अकबर और सीता के बीच में कंपेयर कर सकते हैं इस बात को लेकर। मीन्स क्या अकबर नाम सीता नाम से अच्छा नाम है, बड़ा नाम है, इन्फीरियर नाम है,
सुपीरियर नाम है, आपको लगेगा कि नहीं ऐसा हम नहीं कह सकते। तो जब हम अगर हम ऑब्जर्वेशंस के बीच में ऐसा नहीं कह सकते, तब हम उन ऑब्जर्वेशंस को बोलते हैं कि ये नॉमिनल ऑब्जर्वेशंस हैं, नॉमिनल ऑब्जर्वेशंस हैं, और इनको तब हम लोग नंबर प्रोवाइड क्वांटिफाई करते हैं। क्वांटिफाई कैसे करेंगे कि अब हम इनको किसी को भी एक यूनिक नंबर प्रोवाइड कर देंगे। जैसे हमने सीता को 1 दे दिया, राम को 7 दे दिया, शालिनी को 2 दे दिया, इसका यह मतलब नहीं हुआ कि 5 बड़ा है और 1 छोटा है, क्योंकि हम इनको कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमें इसे क्वांटिफाई करना था, हमने क्वांटिटी दे दी। अब ये जो भी नंबर हैं, ये अपनी कोई मीनिंग नहीं रखेंगे, स्पेसिफिक नंबर सिस्टम की मीनिंग नहीं रखेंगे। आप चाहें तो इसे 1 कह सकते हैं, इसे 2 कह सकते हैं, इसे 3 कह सकते हैं, 4, 5, 6, 7 कह सकते हैं। अब जब ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्वांटिफाई करते हैं, तो ये जो नंबर हमने दिए हैं इनको, इनको बोलते हैं नॉमिनल नंबर, और इसके वेरिएबल को बोलते हैं नॉमिनल वेरिएबल। तो इस एग्जांपल में नेम नॉमिनल वेरिएबल है और हम उनको नंबर ऐसे दे दिए। इसमें कहीं हमने कोई, आपने नंबरिंग के समय कोई कुछ रिस्ट्रिक्शन हमारे पास नहीं था, हमको सबको यूनिक नंबर एक दे देना था। दूसरा वेरिएबल सेक्स, इसमें भी 7 ऑब्जर्वेशन है, बट 2 ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है और बाकी सभी रिपीटेड है। अब से हमें जानना है कि इसका मेजरमेंट स्केल क्या करें। तो हमने जहां इसमें बताया कि आप अपने 2 डिफरेंट पर नजर रख लीजिए और फिर पूछिए कि क्या यह सेक्स इस सेक्स से, सॉरी, इस सेक्स से सुपीरियर है या इन्फीरियर है। अब आपको उत्तर मिलेगा नहीं, हम कह नहीं सकते। इसका मतलब है कि ये सारे ऑब्जर्वेशंस कैसे ऑब्जर्वेशंस हैं, नेम नेम को रिप्रेजेंट करना है, नॉमिनल है। तो फिर हम इनको जब नंबर प्रोवाइड क्वांटिफाई करेंगे, तो यही मेथड अप्रोच अपनाएंगे। अब हमने क्या किया कि जो जो मेल थे उनको 1 दे दिया और जो जो फीमेल थी उनको 4 दे दिया। चूंकि यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट नहीं है, ये वेरिएबल नहीं है, तो हम इसको चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं एज पर। ये पहले से ही क्वांटिफाई है, ठीक है। अब देखा जाए कि इसमें जो प्रॉपर्टी हम इसमें ढूंढ रहे थे पहली कंपैरिजन की, वो होल्ड कर रही है कि नहीं। जैसे हम 2 पर डिफरेंट पे अपनी नजर लगाए और हमने पूछा क्या यह एज इस एज से बड़ा है, तो आपको आंसर आएगा हाँ। इसका मतलब कि ये जो क्वांटिफिकेशन है वो नॉमिनल नहीं है, क्लियर। तो हाँ, क्या है इस पे हम बाद में आएंगे। सिमिलरली ये मोबाइल नंबर है, ये भी पहले से क्वांटिफाई है। अब फिर से देखा जाए कि हम 2 मोबाइल नंबर डिफरेंट ये ले लिए, फिर हमने पूछा पहला प्रश्न क्या ये मोबाइल नंबर इस मोबाइल नंबर से इन्फीरियर है, लेस है। अब कोई मोबाइल नंबर किसी मोबाइल नंबर से लेसर या ग्रेटर नहीं हो सकता। तो हमको उत्तर क्या मिलेगा, नहीं, हम नहीं कह सकते कि ये मोबाइल नंबर, ये वाला मोबाइल नंबर इस मोबाइल नंबर से इन्फीरियर है। इसका मतलब हुआ कि ये सभी क्या है, नाम है, हम कंपेयर इनको नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो क्वांटिफिकेशन है वो नॉमिनल है, ऑलरेडी क्वांटिफिकेशन ही नॉमिनल किया गया है, हम इसे नया नंबर क्वांटिफाई में नहीं देंगे। अब प्रश्न है कि इसका मेजरमेंट स्केल क्या है एजुकेशन लेवल का। इसके लिए फिर हमने 2 पर अपनी नजर रखी, किसी 2 पर, इस पर और इस पर, और फिर पूछा कि क्या ये एजुकेशन लेवल इस एजुकेशन लेवल से इंफीरियर या सुपीरियर है, लेसर या ग्रेटर है। आपको आंसर मिलेगा एस। ये एजुकेशन लेवल
इस एजुकेशन लेवल से सुपीरियर है। यहाँ पे वो बात नहीं मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर वो बात मिल रही है। इसका मतलब है कि ये नाम होते हुए भी नॉमिनल नहीं है, ठीक है? तो ये नॉमिनल नहीं है। अब ये नॉमिनल नहीं है तो क्या है, और इनका क्वांटिफिकेशन कैसे किया जाए, ठीक है? तो ये भी अब आप कहेंगे कि नॉमिनल नहीं है, क्योंकि ये 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन इज स्मॉलर ईयर ऑफ एजुकेशन देन 19। तो यहाँ भी नॉमिनल नहीं है, यहाँ भी नॉमिनल नहीं है। 20 IQ, 40 IQ, पेन लेवल माइल्ड मॉडरेट, माइल्ड पेन इज लेसर पेन देन मॉडरेट पेन, तो ये भी नॉमिनल नहीं है। टेम्परेचर भी नॉमिनल नहीं होगा, ये भी नॉमिनल। तो कुल अभी तक जो हम लोगों के पास वेरिएबल है, इसमें नेम, सेक्स और मोबाइल नंबर, तीन वेरिएबल नॉमिनल हो गए। अब जो वेरिएबल नॉमिनल की क्राइटेरिया को क्वालिफाई करते, मतलब क्वालिफाई नहीं करते, मतलब कि कंपैरिजन हो सकता है, उन वेरिएबल्स में हम लोग दूसरा क्वेश्चन खोजते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, उसमें देखते हैं कि क्या अगर हम ऑब्जर्वेशंस को ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो मीनिंग आएगी कि नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर हम 60 और 30 को ऐड करें तो इन दोनों लोगों की एज मिल करके कितने साल होगी, 90 साल इयर्स। तो 90 इयर्स कहना कि दोनों की एज मिल करके 90 साल है, टेक्निकली सही है, हम कह सकते हैं। हाँ, और ये भी कह सकते हैं कि इसकी एज ज्यादा है, इसकी एज कम है। तो ये कंपैरिजन और एडिशन दोनों को होल्ड कर रहा है। यहाँ का मेजरमेंट, यहाँ के मेजरमेंट पे आते हैं कि ये एजुकेशन लेवल इस एजुकेशन लेवल से इंफीरियर है, पहला कंडीशन होल्ड कर रहा है। लेकिन इस एजुकेशन को इस एजुकेशन में ऐड करें तो क्या कोई मीनिंगफुल एजुकेशन मिलेगा, तो उत्तर है नहीं मिलेगा। सिमिलरली इस पेन या पेन लेवल इस पेन लेवल से इंफीरियर है, लेकिन अगर हम दो ऑब्जर्वेशंस को ऐड करें इसमें तो एडिशन होल्ड नहीं करेगा। तो जब कंपैरिजन होल्ड करे ऑब्जर्वेशंस के बीच में, एडिशन होल्ड न करे, ऐसे मेजरमेंट्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल। और अब जब इनको क्वांटिफाई करते हैं तो हायरार्की फॉलो करते हैं। जैसे अगर हमें इसे क्वांटिफाई करना हुआ तो इसमें लोवेस्ट एजुकेशन है नील, मैंने इसे -1 दे दिया। इसके बाद जो एजुकेशन है वह है, इससे बेटर एजुकेशन है प्राइमरी, मैंने इसे 0 दे दिया, क्वांटिफाई कर दिया। इससे जो सुपीरियर एजुकेशन लेवल है वह है इसमें हाई स्कूल, मैंने इसे 4 दे दिया। फिर इंटरमीडिएट को 7 दे दिया, अंडर ग्रेजुएट को हमने दिया तो जिगजैग नंबर, लेकिन एक हायरार्की फॉलो करी। यहाँ कोई हायरार्की फॉलो नहीं करी गई थी, लेकिन यहाँ पर ऑर्डरिंग को फॉलो करते हुए इनके बीच में इक्वल डिस्टेंसिंग नहीं दी गई, क्योंकि इनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन फॉलो नहीं कर रहा था। आप चाहें तो दे दें, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होगा कि इनके बीच में डिस्टेंस इक्वल है। इसलिए हमने क्या किया कि ये जो भी आया नंबर, नंबर अलॉट कर दिया। बस एक ही बात का ख्याल रखा कि उसकी हायरार्की बनी रहे। सिमिलरली यहाँ भी हम लोग नंबरिंग उसी तरह से करेंगे। मैंने माइल्ड को दे दिया 0, मॉडरेट को दे दिया 2, सीवियर को कोई और नंबर दे दिया 3। सो हियर रैंक इज सपोर्टिव, क्योंकि कंपैरिजन हो सकता है, इसलिए रैंक तो सही चलेगा, लेकिन एडिशन नहीं हो सकता है, इसलिए इनके बीच का गैप कोई जरूरी नहीं है कि बराबर रखा जाए। अब ऐसे को बोलते हैं ऑर्डिनल। तो इस पूरे डेटा सेट में 11 वेरिएबल्स में से 10 वेरिएबल हैं, एक कांस्टेंट है 11 फेनोमेना में। अब इसमें से आपके 3 हो गए नॉमिनल और 2 वेरिएबल हो गए ऑर्डिनल। अब आते हैं एज इन ईयर्स में। ये आपका लेस देन क्वालिटी भी फॉलो कर रहा था, ग्रेटर देन भी फॉलो कर रहा था, साथ ही साथ एडिशन सब्सट्रैक्शन भी फॉलो कर रहा है।
फिर आया एजुकेशन ईयर्स, ये भी अगर हम कहें कि इन दोनों लोगों की एजुकेशन ईयर इन दोनों लोगों के एजुकेशन ईयर से कम है, है क्योंकि इनका एजुकेशन दोनों का एजुकेशन ईयर मिलके 27 है और इनका 36 है, तो इन दोनों दोनों मिल करके इन दोनों से कम पढ़ाई किए हैं, ठीक है, एडिशन होल्ड कर रहा है यहाँ भी। हाँ, यहाँ देखा जाए कि एडिशन सब्सट्रैक्शन होल्ड कर रहा है कि नहीं आईक्यू। हाँ, तो आईक्यू में जब हम कहेंगे कि इन दोनों के औसत आईक्यू अगर हम निकालना चाहें तो 60/2 मीन्स 30, इन दोनों की औसत आईक्यू 30 है, इसका मतलब कि एडिशन होल्ड कर रहा है। सिमिलरली आईक्यू में डिफरेंस सपोज करिए कि 40 और 20, इस बच्चे और इस बच्चे के आईक्यू के डिफरेंस के बराबर है। हाँ, अगर एडिशन होल्ड करेगा तो डिफरेंस भी होल्ड करेगा हम कह सकते। सिमिलरली टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर में भी इन दोनों शहरों का एवरेज टेम्परेचर 30/2 कहा जा सकता है, टेम्परेचर होल्ड करेगा। फैमिली साइज दोनों इन दो लोगों के परिवार की औसत फैमिली साइज 5 है, मीन्स एडिशन होल्ड कर रहा है, कंपैरिजन भी होल्ड कर रहा है क्योंकि इनकी फैमिली साइज कम है, इनकी फैमिली साइज ज्यादा है। तो ये सभी वेरिएबल एज इन ईयर्स, एजुकेशन इन ईयर्स, आईक्यू, टेम्परेचर एंड फैमिली साइज ऑल आर होल्डिंग द टू क्राइटेरिया, नंबर वन कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एडिशन आर सब्सट्रैक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नाउ इफ ऑल आर फॉलोइंग दैट क्राइटेरिया देन वी चेक थर्ड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया इज मीनिंग ऑफ multiplication or addition. What is meaning of multiplication or addition? Suppose ये आदमी की उम्र 90 साल है और इस आदमी की उम्र 30 साल है। अब अगर हम एक स्टेटमेंट दें कि ये शालिनी का उम्र सीता के उम्र का 3 times है, तो है कि नहीं है, तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो मल्टीप्लीकेटिव टर्म में बात कर रहे हैं, 30 × 3 = 90। ओके, सिमिलरली सीता जो है शालिनी के उम्र का 1/3 है, यहाँ भी हम मल्टीप्लीकेटिव कर रहे हैं लेकिन 90/3 कर रहे हैं। तो अगर ये रूल इसमें होल्ड कर रहा है, मतलब कि हम करें तो इसकी मीनिंग निकले कि हाँ सीता शालिनी के उम्र की 1/3 है, इसकी मीनिंग निकल रही है। शालिनी हरि से दूने उम्र की है, ये भी मल्टीप्लीकेशन की मीनिंग निकल रही है। सिमिलरली यहाँ पे आइए, ये स्टूडेंट फोर हरि की पढ़ाई एजुकेशन ईयर अकबर के एजुकेशन ईयर का 1/4 है, या अकबर का एजुकेशन ईयर हरि के एजुकेशन ईयर से 4 गुना है, ये भी सही है कह सकते हैं। अब प्रश्न है कि क्या ये कह सकते हैं कि हरि की आईक्यू सीता के रवि के आईक्यू का 1/8 है, ठीक है। अब आईक्यू जो है किसी का किसी से कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आईक्यू को हम बांट नहीं सकते हैं बाइफर्केशन में कि 10वां हिस्सा है, 5वां हिस्सा है, 7वां हिस्सा है, कम ज्यादा तो हो सकता है। अंतर में दो लोगों का आईक्यू बुद्धि बराबर की जा सकती है, लेकिन हम बुद्धि का बंटवारा स्लाइस बना करके नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम ये कहते हैं कि इसका आईक्यू इसके आईक्यू का 1/8 है, तो ये इलॉजिकल है, हालांकि इसमें कंपैरिजन और एडिशन होल्ड कर रहा है लेकिन मल्टीप्लीकेशन होल्ड नहीं कर रहा है। सिमिलरली अगर टेम्परेचर की बात करें, हाँ टेम्परेचर की बात करें तो
अगर यहाँ पे 20 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ 10 डिग्री टेम्परेचर है, और हम कहें कि यहाँ पे दूनी गर्मी है, फिर ये इलॉजिकल है। ऐसा इसलिए है कि ये जो जीरो टेम्परेचर है, ये एक्चुअली नील टेम्परेचर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। सिमिलरली किसी का आईक्यू जीरो आईक्यू को नील रिप्रेजेंट नहीं करता है। अगर आपको नील टेम्परेचर देखना है सेल्सियस में, तो ये -273 डिग्री सेल्सियस के नियर अबाउट आता है नो टेम्परेचर। तो जिस जिस वेरिएबल में, जहाँ जहाँ आप, इसके लिए ट्रिक क्या है जानने का, कि जिस जिस वेरिएबल में आपको जीरो रखने से लगे कि फेनोमेना जो मेजर किया वो प्रेजेंट था, ऐसे में हम लोग डिवीजन का रूल होल्ड नहीं कर पाते। जैसे आईक्यू जीरो मिलने पर आईक्यू प्रेजेंट माना जाएगा, टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस मानने आने पर टेम्परेचर प्रेजेंट माना जाएगा, लेकिन एज जीरो मानने पर आदमी का एग्जिस्टेंस नहीं माना जाएगा। एजुकेशन जीरो आने पर एजुकेशन का एग्जिस्टेंस नहीं माना जाएगा। फैमिली साइज जीरो मिला, इसका मतलब फैमिली साइज का एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन टेम्परेचर जीरो आने पर टेम्परेचर का एग्जिस्टेंस है, आईक्यू जीरो आने पर आईक्यू का एग्जिस्टेंस है। अब जब भी किसी भी फेनोमेना के मेजरमेंट में कंपैरिजन एडिशन होल्ड करे, तो मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा कि नहीं, इसको जानने का आसान तरीका क्या हो गया कि आप केवल ये सोचिए कि उसमें अगर मेजरमेंट जीरो आए तो फेनोमेना को प्रेजेंट बताएगा कि अब्सेंट बताएगा। अगर वो फेनोमेना को प्रेजेंट बताता है, जैसे कि आईक्यू और टेम्परेचर में, तो हम लोग कहते हैं कि यह क्वांटिफिकेशन इंटरवल है, और इसको बोलते हैं इंटरवल मेजरमेंट या इंटरवल नंबर। और जहां जहां पर जीरो आपको कहेगा कि फेनोमेना अब्सेंट है, जैसे एज जीरो एज इज अब्सेंट, एजुकेशन ईयर जीरो एजुकेशन इज अब्सेंट, ऐसे केसेस में हम लोग कहेंगे कि फेनोमेना, ये जो क्वांटिफिकेशन हुआ है, यह क्वांटिफिकेशन रेशियो मेथड में है, रेशियो स्केल में है। ये भी किसमें है? रेशियो स्केल में। तो इस तरह से हम लोग क्वांटिफिकेशन करते हैं, और या तो क्वांटिफिकेशन से पहचानते हैं कि इसका स्केल क्या है। तो कुल हमने चार तरह के स्केल की चर्चा करी, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। और उसके आधार पे अगर अब हम लोग देखें तो नेम नॉमिनल है, सेक्स नॉमिनल था, मोबाइल नंबर नॉमिनल था, एजुकेशन लेवल ऑर्डिनल था, पेन लेवल ऑर्डिनल था, आईक्यू इंटरवल था मेजरमेंट था, टेम्परेचर इंटरवल मेजरमेंट था, एज ईयर्स इन स्कूल और फैमिली साइज में कंपैरिजन भी होल्ड किया, एडिशन भी होल्ड किया, मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड किया। हम लोगों ने फैमिली साइज में देखा नहीं, अगर यहाँ इनके पास, यहाँ चार परिवार हैं मेंबर हैं, इनके यहाँ दो मेंबर हैं, इट मींस इनके यहाँ इनके कंपैरिजन में दूने मेंबर हैं, दैट इज करेक्ट। सो फैमिली साइज में भी मल्टीप्लिकेशन होल्ड किया, इनको बोलते हैं कि ये सभी क्वांटिफिकेशन रेशियो स्केल है। तो ये चार मेजरमेंट स्केल हम लोगों के हैं। हमने जो भी चर्चा करी वो इसी पर करी। अगर ऑब्जर्वेशंस को कंपेयर करते समय आपको ये होल्ड होता हुआ मिले तो नॉमिनल नहीं है, ठीक है। अगर ये होल्ड होता है कि और ये सब होल्ड नहीं होते हैं दोनों, तो ऑर्डिनल है। अगर ये होल्ड हो, ये होल्ड हो, ये होल्ड न हो, तो इंटरवल है। और अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड हो, तो ये रेशियो है। और रेशियो को पता करने के लिए बेहतर तरीका है इंटरवल और रेशियो में जीरो की मीनिंग को क्लेरिफाई करना। अब इनके आधार पे हम वेरिएबल को दो बड़े डोमेन में बांटते हैं, नॉमिनल ऑर्डिनल मेजरमेंट वाले वेरिएबल्स को बोलते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल, और इंटरवल तथा रेशियो को बोलते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल। तो हमारे इस एग्जांपल में नेम, सेक्स, मोबाइल नंबर,
एजुकेशन लेवल, पेन लेवल, ये सभी क्वालिटेटिव वेरिएबल थे, और एज इन इयर्स, स्कूल इन इयर्स इन स्कूल, आईक्यू, टेम्परेचर, फैमिली साइज, ये सभी क्वांटिटेटिव वेरिएबल थे। तो दो तरह के वेरिएबल हुए, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव कौन होंगे? जिनका मेजरमेंट स्केल नॉमिनल या ऑर्डिनल होगा, और क्वांटिटेटिव कौन होंगे? जिनका इंटरवल या रेशियो होगा। अब वेरिएबल की एक और डिफिनेशन होती है, जनरली ये टर्म आता है कि वेरिएबल डिस्क्रीट है कि वेरिएबल कंटिन्यूअस है। इसके लिए ये जितने भी हमने ऊपर 10 वेरिएबल की डिस्कशन करी, इसमें कुछ वेरिएबल डिस्क्रीट हैं, कुछ वेरिएबल कंटिन्यूअस हैं। जानने का बेहतर तरीका क्या है कि आप मेजरमेंट स्केल को पहचानिए। अगर मेजरमेंट स्केल नॉमिनल या ऑर्डिनल है, मींस क्वालिटेटिव वेरिएबल है, तो वेरिएबल डिस्क्रीट कहलाएगा। अगर वेरिएबल का मेजरमेंट स्केल इंटरवल या रेशियो है, मींस क्वांटिटेटिव है, तो वेरिएबल कंटिन्यूअस कहलाएगा। लेकिन कुछ इंटरवल और रेशियो वाले क्वांटिटेटिव वेरिएबल डिस्क्रीट भी कहलाते हैं। हाँ, तो अब एक समस्या फंसी कि अगर हमारा वेरिएबल क्वांटिटेटिव है तो हम उसको डिस्क्रीट समझें कि कंटिन्यूअस समझें, और उसको कैसे समझें? तो इस तरह से क्या हमने पाया कि क्वालिटेटिव होगा तो हमेशा डिस्क्रीट, और अगर क्वांटिटेटिव है तो डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस हो सकता है। तो हम अब इस पर चर्चा करेंगे कि हाउ टू assess that it is a discrete or continuous. इसके लिए जैसे हम हमारे ये सभी क्वांटिटेटिव वेरिएबल थे, हाँ, ये जितने भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल हैं, जब हम इनका मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमने इसमें कोई ना कोई मैकेनिज्म यूज किया है। जैसे इसको मेजर करने के लिए हमने टाइम मशीन का यूज किया है, इसको भी मेजर करने के लिए हमने टाइम मशीन का यूज किया है, इसको मेजर करने के लिए हमने टूल का यूज किया है, सेट ऑफ क्वेश्चनायर्स, क्वेश्चंस, एंड दैट इज आल्सो मैकेनिज्म बेस्ड मेड बाय सोशल साइंटिस्ट, एंड इसको मेजर करने का मैकेनिज्म इज मेड बाय फिजिकल साइंटिस्ट्स। इसको भी हम लोगों ने एक मैकेनिज्म से यूज किया है। अब जितने भी फेनोमेना हम किसी मैकेनिज्म से यूज करते हैं, तो उनकी मेजरमेंट वैल्यू कभी भी 100% एक्यूरेसी से आप नहीं पा सकते। जैसे एज, किसी कोई भी व्यक्ति अपना एज 100% एक्यूरेसी से नहीं बता सकता। अगर वो कहता है 60 साल, तो वो 60 साल एक सेकेंड या एक सेकेंड के कुछ फ्रैक्शन से भी डिफर कर सकता है। तो ऐसे जितने भी हम लोग क्वांटिफिकेशन किसी मैकेनाइज्ड रूल से, टेक्निक से निकालते हैं, उनमें फिक्स्ड वैल्यू पाना डिफिकल्ट है या इम्पॉसिबल है। हालांकि हम लिख तो रहे हैं फिक्स्ड वैल्यू, लेकिन ये हो सकता है कि इसकी एज 59 इयर्स 1 मिनट एंड 59 इयर्स और 60.1 इयर्स के बीच में हो, या 59.9 इयर्स टू 16.1 ईयर के बीच में कहीं हो। तो इंटरवल में तो ये पक्का है कि फिक्स्ड रहेगा, लेकिन जब हम इसको कोई पर्टिकुलर वैल्यू देंगे तब इसकी एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आ जाएगी। अब जितने भी वेरिएबल के मेजरमेंट में, जितने भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल हैं, इनके मेजरमेंट में एक्यूरेसी की प्रॉब्लम रहेगी, और जिनमें जिनमें एक्यूरेसी की प्रॉब्लम रहेगी वो सभी कंटिन्यूअस होंगे। कुछ ऐसे भी क्वांटिटेटिव हैं जिसमें कि एक्यूरेसी की प्रॉब्लम नहीं है, जैसे फैमिली साइज 2। अब ये दो फैमिली साइज 2.001 नहीं हो सकती, लेकिन 16 ईयर ऑफ एजुकेशन 15.99 ईयर हो सकता है, आईक्यू 39.264387 हो सकता है, टेम्परेचर 19.4967 हो सकता है, लेकिन फैमिली साइज ये भी क्वांटिटेटिव है 6.01 नहीं हो सकता, 6.3 नहीं हो सकता। हाँ, अगर होगा भी तो फिक्स्ड रहेगा, जैसे कि राशन कार्ड में हम लोग देखते हैं कि फैमिली साइज लिखा होता 5.5, मींस 5 बड़े 1 छोटा बच्चा, लेकिन अब वो 5.5 जो है 5.51 नहीं होगा।
वो फिक्स्ड है 5.5, चेंज नहीं होना है इसको, लेकिन इसकी हर वैल्यू स्लाइट चेंज हो सकती है, ये भी क्वांटिटेटिव है ये भी क्वांटिटेटिव है, लेकिन इसके मेजरमेंट्स फिक्स्ड हैं, इसके मेजरमेंट फिक्स्ड नहीं है, ये थोड़ा चेंज हो सकते हैं। अब जिस भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल के मेजरमेंट फिक्स्ड होते हैं उनको हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट, और जिन्हीं पे भी थोड़ी सी भी चेंज होने की संभावना आपको नजर आवे कि नहीं इसकी एक्यूरेसी हम और बढ़ा सकते हैं, वो फेनोमेना कंटिन्यूअस। अब इस पे एक मजेदार चीज और आती है, मान लीजिए कि हमने इतने लोगों की सैलरी उनके रिकॉर्ड से नोट करी, सैलरी स्लिप से, क्या यह डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है? पहले तो ये क्वांटिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं, एक मैकेनिज्म से आया है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सैलरी तो फिक्स्ड है, उसमें कहां से कोई एरर हो सकता है? हाँ, एरर हो सकता है, क्योंकि सैलरी काउंटिंग से नहीं आ रही है, फैमिली साइज काउंटिंग से आ रही है, इसलिए जब काउंटिंग से आप ले आएंगे तो काउंटिंग से कभी एरर नहीं होगा, अगर होगा तो वो गिनने वाले की गलती है, मैकेनिज्म टूल का एरर नहीं है, लेकिन सैलरी काउंटिंग से नहीं आ रही है, आपको सैलरी गिन के नहीं मिलती है, आपकी सैलरी मेजर होके मिलती है, और मेजर किससे होती है? करेंसी में। तो हर करेंसी के बहुत सारे फ्रैक्शन हो सकते हैं, जैसे आपकी जो सैलरी है 80 रुपए या 80,000 रुपए, वो हो सकता है कि 80,000 रुपए 0.0001 हो, जो कि इग्नोर कर दिया गया। हाँ, तो अब ये भी इनकम, इनकम ऐसा नहीं है कि ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये भी क्या है, चूंकि इसमें एक मैकेनिज्म लगा हुआ है सैलरी पर, इसलिए ये भी डिस्क्रीट वेरिएबल ही कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा। अक्सर हम चर्चा करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, उसके पीछे ये हमारा दिमाग में तर्क रहता है, ये तो सैलरी है फिक्स्ड है, एकदम करेंसी गिन के आ रही है, करेंसी गिन के नहीं आ रही है, करेंसी मेजर होके आ रही है। तो हम अपना वीडियो यहीं रोकते हैं, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब हम डेटा पा जाते हैं, जब हम अपने स्टडी में अपने वेरिएबल्स फाइनल कर लिए, मेजरमेंट स्केल फाइनल कर लिए, वेरिएबल को पहचान लिए कि डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है, तो फिर हम आगे कैसे प्रोसीड करते हैं। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग माई वीडियो।